24 घंटारु ऊर्ध्व पुलिस नाकेद। उमरकोट ब्लॉक अंतर्गत भामिनी पंचायतर बैपारी भटारे एक आकस्मिक घटना देखा मिली। सूचना योग्य जे बैपारी भट्टा फॉरेस्ट बीट जंगल रे ग्रामवासी देखा पाई एक मृतदेह माटी रे पोति और मृतदेह माटी तले रहिबा बादे मृतक शबर किछि अंश लुगा बाहर को देखा जाउथिला। एहा देखि ग्रामवासी माने स्पष्ट हेले एहा एक स्त्री लोकर शब किए मारी माटी तले पोति दैछि। ए घटना ग्रामवासी उमरकोट थाना अधिकारी को जणाइथिले। रविवार दिन घटनास्थल को पुलिस पहुंची जांच कर रविवार राति सारा पुलिस और किछि ग्रामवासी माने पहरा देथिले। एही घटना पूरा पंचायत रे चांचल्य खेलाइ दैथिला। एपटे पुलिस प्रशासन पक्षरु एक स्वतंत्र टीम कोरापुट आसी पहुंची थे उमरकोट रे। थाना अधिकारी उमरकोट अतिरिक्त तहसीलदार उमरकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टर श्री राहुल पहुंचा पर घटनास्थल शव को बाहर करने को कहते सेठार माटी खोलागला किंतु किछि बाहरी नथिला। किए लोक भयभीत करने निम्ते एभली कर सरपंच कहते हाँ काली आम काली संध्या आम सरपंच को खबर देते कि ये जन को पोताई बोले तेणु पुलिस फोरेन्सिक टीम डॉक्टर सब आसलु आज सब खोलाखोली है मात्र किसी से भितर बाहर किए जन मजाक कर प्रशासन सांगे मो ना कृष्ण भत्रा भामनी ग्राम पंचायत सरपंच देखु ये जिनटा जो जिनटा कर साढ़े चार्टा पाँचटा बेल फोन कले ना एमती गोटे बैपारी बाटा ग्राम जंगल गोटे एमती गोटे घटना घटी तो तापर मुझे आसिक देखिली ये देखला पर जो जहाँ देखिली तो सीटी दी साइड शाढ़ी ता देखा दूसरा तापर ताप गोटे मानने पुति मानने मानने एक टाइप पुति टाइप करते तो देखिली तापर जिनटा मो हाथ को नाटा भी उचित नुहे बोल मु आईसी सार को फोन करी ना सर एम गोटे परिस्थिति उपजी बोल कहली तापर सार आसिले आसिक देखिले देखिकी तापर संध्या जाता तो आज तार इन्वेस्टिगेशन टीम एवं डॉक्टर कोरापुट आसते तापर राहुल सार डॉक्टर राहुल सार आसते तापर अन्न्य टीम सब आसते आसिक तार उपस्थित ये काम को मान ये कराला जिते बड़े खोलू खोलला बेल देखा सब फल्स रिपोर्टा बाहरी देखु मु तो कहूँ मो तरफ जे आम एत मानने राति न शोकि न खाई कि जिनटा को आम जगी बसलु तो दुखर विषय जो लोकटा कर तो मुझे मो तरफ नवेदन करुच्ची जे आगामी दिन मानक व्यवस्था न करूँ जमी प्रशासन को दखा होतापुर पब्लिक को भी दखा हो गाँव लोक भी दखा हो जिनटा न करूँ मुझे अनुरोध करुच्ची जिनटा जमी नेक्स्ट टाइम न हो। उमरकोट रु पंचानन दुलाई रिपोर्ट विश्वविजयी न्यूज ओडिशा।